बिग बॉस के घर के अंदर अब इम्यूनिटी टास्क में खुली है सबकी पोल। आखिरकार इम्यूनिटी टास्क में शिवानी ने लव और विशाल की क्या वाकई में धज्जियां उड़ा दी? क्या लव और विशाल देखते रह गए? क्या हुआ है ऐसा? चलिए हम आपको बताएंगे कि इम्यूनिटी टास्क में क्या क्या हुआ। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि घर में इम्यूनिटी टास्क आया था और इस टास्क में जिस तरीके से लव विशाल शिवानी आपस में एक दूसरे को टारगेट करते नजर आए हैं, उसके बाद अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर कल शिवानी को भले ही सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले हो, लेकिन यहाँ पर खेल गई शिवानी। शिवानी ने साफ साफ कहा कि अरमान भैया की तो हर कोई यहाँ पर बुराई ही करता रहता है। यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि अरमान भैया को कोई पसंद नहीं करता। हम बात करें तो हम घर में सभी की रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं। हम भले ही लोगों से लड़े, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हम दूसरों की इस तरह से बेइज्जती करें। हम किसी की भी गलती पर माफ़ी मांगने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। हम माफ़ी मांगने से हिचकिचाते भी नहीं। तो इस तरह की बात जो है शिवानी करती हुई नजर आई है। शिवानी ने साफ साफ कहा कि लव भैया और विशाल भैया मुझसे ज़्यादा डिजर्व नहीं करते हैं शो जीतना, क्योंकि यहाँ पर शो में हमने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक और बड़ी चीज़ सामने आई। यहाँ पर देखने को मिला कि किस तरीके से शिवानी और लव एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नजर आए। यहाँ पर विशाल ने लव को कहा कि वो दोस्ती नहीं निभाता और उसके बाद लव ने विशाल की पूरी पोल खोल दी। उसने बताया कि कैसे विशाल ने अरमान को लेकर कहा था कि भैया तो भाग्यशाली हैं। तो एक बात तो तय है कि जो बात अभी तक सभी से छिपी हुई थी आज सभी के सामने आ गई हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको लगता है कि इम्यूनिटी टास्क में जिस तरीके से शिवानी ने परफॉर्म किया है, क्या वाकई में उसे घर में रखा जाना चाहिए और उसकी जगह विशाल लव एविक्ट होने चाहिए? आप क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।